पिहोवा कृषि कानून को लेकर सरकार के साथ चल रहे गतिरोध के चलते किसानों ने पिहोवा में रिलायंस पेट्रोल पंप और रिलायंस ट्रेंड शॉप को बंद करवा दिया। जानकारी देते हुए किसान जसतेज सिंह ने बताया कि आंदोलन के चलते थाना टोल प्लाजा पर किसान मोर्चे का आदेश आया, जिसके तहत किसानों ने रिलायंस पेट्रोल पंप मालिक से प्रार्थना की। मालिक ने बिना गतिरोध किसानों का सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि वह खुद भी किसान है। पेट्रोल पंप को तुरंत बंद कर दिया गया। तो आज अपने रिलायंस पंप को बंद किया, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऊपर से हमारे संयुक्त मोर्चे की तरफ से ये कॉल आई थी कि रिलायंस के पंप का और रिलायंस के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाएगा। तो उसी प्रोग्राम के तहत थाना टोल प्लाजा पर हम बैठे थे, तो सभी किसानों ने इस बात की शंका जताई थी कि रिलायंस का पेट्रोल पंप और रिलायंस का ट्रेंड स्टोर जहां पर कपड़े बिकते हैं रिलायंस कंपनी, वो अभी तक खुले हुए हैं और ज़्यादातर हिंदुस्तान में लोगों ने वो बंद करवा लिए। तो किसानों ने सलाह की और हम यहाँ पर रिलायंस के ट्रेंड स्टोर पर पहुँचे और यहाँ पर रिलायंस पेट्रोल पंप पर भी आए। तो इनके मालिकों से हमने हाथ जोड़कर ये आग्रह किया कि कृपा करके जितनी देर तक हमारे फैसले नहीं आते हमारा सहयोग करें। दोनों भाइयों ने मुझे ये आश्वासन दिया है कि हम भी किसान हैं, हम भी खेती बाड़ी करते हैं और आपका सहयोग और समर्थन करते हैं। उन्होंने देखिए आप दोनों रास्ते बंद कर दिए हैं और मेरे भाई जो ट्रेंड का मालिक है उन्होंने अपना स्टोर का शटर डाउन कर दिया। मैं उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि वो हमारा सहयोग करें। तो आप यहाँ पे कब से लेके कब तक बैठेंगे? जब तक हमारे तीनों कानून वापस नहीं हो जाते जो रिलायंस अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं, तब तक यहीं बैठेंगे। और अगर ऊपर से हमारे संयुक्त मोर्चा कोई नया आदेश जारी करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई, तुरंत अमल किया जाए।